बोलो कैसे लग रहा हूँ मैं? बोल कैसे लग रहा हूँ मैं? आप एक बार आईना देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि आपकी ड्रेस में समझने जैसा कुछ है ही नहीं। चिट्टू मैं आईने में देखने ही वाला था, फिर मैंने सोचा कि मेरा ये लेटेस्ट फैशन देख के आईना फूट जाएगा। अब फूटेगा, एक बार देखो तो सही। या यो ये मोटी अड्डा कोई मोटी बोल रहा है। अरे मो रोहित के बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। I'm not going to LYEV, leave you. अरे मोंटू बॉस, पहले इस ड्रेस से तो पीछा छुड़ाओ। अरे बेवकूफ, मैं छुपा था। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। तेरे पीछे बल्लू कहीं दिखाई नहीं दे रहा। चलो ये भी अच्छा है, क्योंकि अब मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ कि बल्लू नहीं सीधा बालवीर ही आएगा यहाँ। शुक्रिया, अब आप जा सकते हैं। आप ठीक तो है ना? तुमने मेरी जान बचाई। नाम क्या है तुम्हारा? बालवीर। चुक चुक जी, आप यहाँ आए। आप कौन है? मेरी क्या पहचान, पर तुम्हारा बहुत धन्यवाद। आज जो तुमने मेरे लिए किया वो कोई अपनी सगी माँ के लिए भी नहीं करेगा। धन्यवाद। बस बालवी, अब वो पल दूर नहीं जब तुम्हें लगने लगेगा कि मैं ही तुम्हारी असली माँ। बालवीर, तुमने मुझे काल ब्रह्मांड में डाला था ना, पर मैं तुम्हें परियों से छीन कर काली गुफा में डालूंगी, जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया। अब मैं चलता हूं, ठीक है बालवी? ये हलवा मैंने अपने हाथों से बनाया है, तुम खाओगे तो अच्छा लगेगा। कहीं इसने ये स्वप्न वशीकरण रस मिलाया हुआ हलवा नहीं खाया तो मुश्किल हो जाएगी। बालवी, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई, अगर मैं अपने हाथों से तुम्हें यह हलवा खिलाऊं तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा बेटा खा रहा है।
अरे माँ, टीवी छोड़िए और हमारी हेल्प कीजिए, हमें आपकी हेल्प की जरूरत है। बोलो। हमारे स्कूल में ना एक फैशन शो होने वाला है, उसके लिए हमें ड्रेस बनानी है, तो सर ने कहा है कि हेल्प ले सकते हैं थोड़ी। हाँ, थोड़ी नहीं, पूरी हेल्प मिलेगी। हाँ, अब देखना मैं इतनी अच्छी ड्रेस बनाऊंगी ना कि तुम लोग ही जीतोगे। रेडी, 1 2 3 गो। नो, पहले हमसे तो पूछ लो कि हमें कैसी ड्रेस चाहिए। अरे हाँ, कौन सी ड्रेस बनानी है? स्कर्ट, ट्राउजर। स्कर्ट, ट्राउजर। मैंने कहा ना स्कर्ट। नहीं, ट्राउजर। अरे पहले मैं इसकी कटिंग कर लूं, फिर डिसाइड करेंगे क्या बनाना है। ठीक है, ठीक है। मैंने गैस पे करेले की सब्जी रखी थी, मैं तो भूल ही गई। आप जाइए और अपनी करेले की सब्जी संभालिए, हम ये देख लेंगे। वापस कर। हाय लेड, क्या कर रहे हो? लेट? दादी लेट नहीं, किड। हाँ भाई, सेम टू सेम। क्या कर क्या रहे हो? स्कर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं, ट्राउजर। क्या झूठ बोला, स्कर्ट बना रहे? अरे नहीं, ट्राउजर बना रहे। बोला ना स्कर्ट, नहीं ट्राउजर, स्कर्ट। एक मिनट, शांति शांति। जब दादी इज हियर, देन नॉट हियर। ए कस्तूरी, कौन है? हाँ तो उसे बिठाओ, चाय नाश्ता दो। अरे मैंने चाय नाश्ता कर लिया है, तुम्हारे लिए फोन आया है। ओह, एक्सक्यूज मी। क्या कर रहे हो बच्चा? ड्रेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तुमको मालूम है मैं जब बच्चा था ना, तभी मैंने क्या सोचा था कि मैं बड़ा होकर फैशन डिजाइनर बनूंगा। हाँ, बचपन का सपना अब लगभग बचपन में खत्म करूंगा। लाओ ये, बड़ा लग रहा है ना। अच्छा, कुछ करना मत, मैं आके करूंगा। तुम देखो जरा। हाँ, मैं करती हूँ। माँ, मेरी करेले की सब्जी आप करिए, मैं आती हूँ। मानव, मुझे क्या लगता है कि ये हो गया है। हाँ, और घर वाले हमें सरप्राइज करना चाहते हैं। प्लानिंग, चल इस सरप्राइज का एंजॉय करते हैं। चल। तू पहन। हाँ। कोट होगा। अरे रेड कलर था फेवरेट। एक मिनट मानव, आई थिंक ये मेरा है। एक मिनट, कहा ना फोन, दूसरा तो बनाया ही नहीं। What a surprise! मानव, ये क्या बना दिया? 2-in-1। अब क्या करेंगे मैं? बालवीर, अब तो बालवीर ही हमारी मदद कर सकता है। भटकाती परी। बालवीर, खुश रहो भटकाती परी, खुश रहो। खुश रहो बालवी, खुश रहो। भटकाती परी, आपके पास इतने सारे कपड़े कहाँ से आए? आहा, आए नहीं है, हमने खुद बनाए। बालवी, ये देखिए, ये सारे नए नए परिधान हमने सारी परियों के लिए बनाए। देखिए, अरे वाह भटकाती परी, आपकी छुपी हुई प्रतिभा के बारे में तो हमें पता ही नहीं था। वाकई बहुत अच्छे परिधान बनाए हैं आपने। शुक्रिया बालवीर, शुक्रिया। बस बस भटकाती परी, बहुत प्रशंसा करवा ली।
अब बालवीर को ये तो बताइए ये परिधान आखिर बनाया किसने है? हम बताने ही वाले थे कि इतने में आप सब लोग आ गए। ये देखिए, ये है सुई धागा। तो है कौन सी इसमें बड़ी बात है, ये तो हमें भी पता। ये साधारण सुई धागा नहीं है, जादुई सुई धागा है। जादुई सुई धागा? हाँ बार्बी, ये सारे परिधान इसी जादुई सुई धागे ने बनाए हैं। हाँ, लेकिन इन परिधानों की रूपरेखा तो हमने तैयार की है ना? हाँ, वो तो है। परियो, अब बालवीर को ज्यादा परेशान मत करो, उसे अब पता ही दीजिए कि ये सुई धागा कैसे काम करता है। बालवीर, आप जो भी परिधान बनाना चाहते हैं, उसकी रूपरेखा इस गोले पर बनानी है, ऐसे। अरे वाह डरी परी, ये देखिए ऐसे। अब देखिए कमाल। ये लीजिए बालवीर, हो गया आपका मनपसंद परिधान तैयार। अरे वाह, ये देखिए बालवीर, है ना ये कमाल का परिधान? वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत। परियो, कीजिए कोई बढ़िया सा परिधान तैयार हम डुबा डुबाओ के लिए भी, ताकि लग सके हम और भी सुंदर और आकर्षक। हाँ, हमें भी चाहिए। ठीक है डुबा डुबा एक, हम आपके लिए भी नया परिधान तैयार कर देते हैं, पर हमारी शर्त ये है कि हम जो परिधान आपके लिए तैयार करेंगे वो आपको पहनना ही पड़ेगा। है उसमें पूछने वाली क्या बात, वो तो हम पहनेंगे। तो लीजिए अभी तैयार कर देते हैं। ये लीजिए डरी परी, ये लीजिए आप। अरे वाह, शुक्रिया गाल परी, शुक्रिया। ये लीजिए। भाइयों, हो गया हमारा परिधान तैयार। परियो, है ये क्या? आपका परिधान? नहीं नहीं, नहीं पहनेंगे हम ये परिधान, नहीं। पढ़ो भाइयो मानो में सब ठीक तो है ना? हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है। हाँ, हमारे स्कूल में फैशन कंपटीशन है और उसके लिए हमें ड्रेसेस बनानी है, लेकिन एक के बाद एक प्रॉब्लम होती जा रही है, हम अपना काम ठीक से पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। क्यों, क्या हुआ? मैं समझ गया मानो में, लेकिन मुझे माफ करना, मैं तुम दोनों की कोई मदद नहीं कर सकता, वरना ये बाकी बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी। नहीं बालवीर, क्योंकि हमें सिर्फ अभी शुरू में रिहर्सल्स के लिए तुम्हारी मदद चाहिए, फैशन शो जीतने के लिए हम तुमसे मदद नहीं मांगेंगे। हाँ, और अभी हमारे दिमाग में कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा है। लेकिन बच्चों, प्लीज बालवीर, प्लीज प्लीज कुछ करो बालवीर। ठीक है मानो मेहर, मैं अभी कुछ करता हूँ। ये क्या है बालवी? मानो मेहर, ये एक सुई धागा है, अब इसी से तुम दोनों अपनी समस्या का समाधान करोगी। बालवीर, हमारे घर पे इतनी बड़ी सिलाई की मशीन पड़ी है और तुम हमें सुई धागा दे रहे हो? मानो,
ये कोई मामूली सुई धागा नहीं है, ये एक जादुई सुई धागा है। अगर इस सुई धागे की मदद से तुम दोनों इस पर किसी भी परिधान का रूपरेखा बनाओगी तो तुम्हारे सामने बिल्कुल उसी रूपरेखा वाला परिधान आ जाएगा। हाँ? वाह! बाल्वी, ये तो कमाल की चीज है। हाँ? लेकिन हाँ बच्चों, इस बात का ध्यान रखना, मुख्य प्रतियोगिता के लिए तुम्हें अपने हाथों से ही परिधान बनाना होगा, क्योंकि इस सुई धागे से बनाया गया हर परिधान मुख्य प्रतियोगिता के पहले गायब हो जाएगा। हम समझ गए बालवीर, हम इस सुई धागे का उपयोग सिर्फ रिहर्सल्स में ही करेंगे और बाकी बच्चों की मदद करने की कोशिश भी करेंगे। हाँ। है ना माना? और हाँ, अब संभाल के, ये सुई धागा शरारती है और इसलिए ये लोगों की बातें सुनकर भी शरारत करता है, इसलिए इसे थोड़ा संभाल कर रखना। कोई बात नहीं बालवीर, अगर मैं इस मानव जैसे शरारती भाई को संभाल सकती हूँ तो फिर ये सुई धागा क्या चीज है? क्या क्या बोली? शरारती? बालवीर, ये हमेशा ऐसे ही बोलती रहती है, मैं और शरारती, मैं कितना सीधा साधा सा बच्चा हूँ देखो। बच्चों, अब मैं चलता हूँ, ठीक है? हाँ, थैंक यू बालवीर, थैंक यू। मेर, तूने मुझे शरारती बोला? हाँ मानव, बोला, क्योंकि शरारती को शरारती नहीं करेंगे तो क्या सीधा साधा कहेंगे? बालवी, तुमने स्वप्न वशीकरण रस की मिठास चखी, अब बारी है उसकी कड़वाहट चखने की। अब मैं तुम्हें ले जाऊंगी महाविनाशिनी के स्वप्न लोक में। खुश रहो दोस्तों, खुश रहो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे इस हफ्ते के मैं भी बालवीर विजेता से। दोस्तों, ये है सोलापुर के अकुल, जो बने हैं हमारे इस हफ्ते के मैं भी बालवीर विजेता, जिनके साथ आई है उनकी मम्मी। नमस्ते दोस्तों, अकुल ने बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन क्या, आइए जानते हैं अकुल से। मेरा नाम अकुल है, मैं सोलापुर का रहने वाला हूँ। मैं हर साल अपने दादाजी के साथ मिलकर उनका जन्मदिन कुछ ऐसे लोगों के साथ बिताता हूँ जिसका अपना कोई नहीं होता। उससे मेरे दादाजी को बहुत खुशी मिलती है और मुझे भी। यह सीख मुझे बालवीर ने दी है, थैंक यू बालवीर। छोटी सी उम्र में अकुल ने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे उस पे गर्व है, ये प्रेरणा बालवीर ने दी है, थैंक यू बालवीर। आपका भी शुक्रिया। तो दोस्तों, अकुल के इसी अच्छे काम के लिए इन्हें भी मिलता है मैं भी बालवीर बैंड। मैं भी बालवीर। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.